जम्मू कश्मीर से धारा 370 को जब से भारत सरकार ने हटाया है, तब से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, तिलमिलाया हुआ है। आप देख रहे हैं द इंडियन इन्फॉर्मेटिव स्टूडियो, मैं हूं आपके साथ नाजर मसरूर। और बौखलाहट में पाकिस्तान कुछ ऐसे फैसले ले रहा है जो उसके लिए सरदर्द बन रहे हैं, जो उसके लिए तकलीफ देह बन रहे हैं और उसके लिए घाटे का सौदा है। धारा 370 हटने के बाद पाकिस्तान ने तिलमिलाते हुए भारत के साथ सारे जो व्यापारिक रिश्ते थे उनको तोड़ लिया था, यानी कि अब भारत से कुछ भी पाकिस्तान में एक्सपोर्ट नहीं होगा और भारत में भी पाकिस्तान से कोई चीज इम्पोर्ट नहीं की जाएगी। ये फैसला पाकिस्तान का था। ये जो शुरुआत थी वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने की थी कि भारत से हर तरह के व्यापारिक रिश्ते जो हैं वो तोड़ लिए जाएंगे। भारत से एक्सपोर्ट होने वाले सामान पर जो है पूरी तरीके से जो है वो बंदिश लगा दी गई कि अब भारत से कोई भी सामान एक्सपोर्ट नहीं होगा और ना ही साहब हम भारत को कुछ एक्सपोर्ट करेंगे। ऐसे कुछ कड़े फैसले इमरान खान ने लिए थे और इमरान खान को लगता था कि शायद ऐसे फैसलों से वो भारत को कुछ तकलीफ दे सकते हैं। सबक सिखाना तो खैर बड़ी बात है, लेकिन इमरान खान को लगता था कि शायद भारत को कुछ तकलीफ दे सकते हैं। भारत इतना ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है, भारत कहाँ इसको एक्सपोर्ट करेगा, इस तरह की शायद बातें इमरान खान ने सोची होंगी। लेकिन वो अपने घर के बारे में भूल गए, मतलब कि वो पाकिस्तान के बारे में भूल गए कि जनाब उनके पाकिस्तान का क्या होने वाला है। उनको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था कि अगले कुछ महीनों में पाकिस्तान में कैसी हाहाकार मचने वाली है, क्योंकि हरी सब्जियां, टमाटर जैसी चीज़ें जो हैं वो भारत जो है वो रोज़ के रोज़ पाकिस्तान को एक्सपोर्ट करता था, ताज़ा माल जो है वो पाकिस्तान को एक्सपोर्ट करता था। और इमरान खान के इस फैसले के बाद उसके बुरे परिणाम भी आना शुरू हो गए और आज पाकिस्तान में महंगाई की वो मार है कि जो अभी तक पाकिस्तान में नहीं हुई। अभी तक पाकिस्तान के रिकॉर्ड में टमाटर जो है वो इतने महंगे नहीं हुए थे जितने महंगे अब हो गए हैं। पाकिस्तान में टमाटर के भाव जो है वो आसमान छू रहे हैं। जी हाँ, पाकिस्तान में टमाटर 300 से 400 रुपए किलो है, यानी के डॉलर के भाव में टमाटर मिल रहे हैं पाकिस्तान में। कोई सोच नहीं सकता जिस कंट्री की इतनी बुरी हालात हो वो अब किस तरीके से जो है उसकी जो आवाम है वो टमाटरों को खा सकेगी। इसी के चलते भारत के मध्य प्रदेश के झबुआ के किसानों ने इमरान खान को एक ऑफर दे डाला। इमरान खान को ऑफर ये दे डाला कि अगर इमरान खान जो है पीओके पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो है वो भारत को वापस कर देते हैं तो हिंदुस्तान से टमाटर उनको मिलने लग जाएंगे। बाकायदा जगुआ के किसानों ने जो है ये पैगाम इमरान खान तक पहुंचाया है और एक नारा भी साथ में उन्होंने बुलंद किया है कि इमरान खान पीओके दो टमाटर लो, इमरान खान पीओके दो टमाटर लो। पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, कश्मीर का जो हिस्सा पाकिस्तान ने धोखे से दबा लिया था, जिस हिस्से पे पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था उसे पीओके कहते हैं और उसी पीओके को वापस करने की मांग मध्य प्रदेश के किसान कर रहे हैं इमरान खान से। यही नहीं बल्कि जगुआ के किसान ये चाहते हैं कि पाकिस्तान ने 2008 में जो मुंबई में जो कि हमला किया था और जितनी भी ये जो हरकतें पाकिस्तान बॉर्डर पे करता रहता है, सरहद पे करता रहता है, इसके लिए पाकिस्तान जो है लिखित में माफ़ी मांगे। तो ये दो बातें जो हैं ये मध्य प्रदेश के किसानों ने रखी हैं। मध्य प्रदेश के किसानों ने कहा है कि पाकिस्तान अगर माफ़ी मांगे, इमरान खान अगर पीओके वापस कर दे हिंदुस्तान को, तो हिंदुस्तान भी सोच सकता है कि टमाटर जो है वो पाकिस्तान को दिए जाए। तो आप समझ रहे हैं कि टमाटर की आज क्या वैल्यू हुई है। किसी ज़माने में हिंदुस्तान में प्याज महंगी हुई थी, प्याज ने सरकार बदल दी थी और अब ऐसा लग रहा है कि शायद ये टमाटर जो है वो पाकिस्तान की सरकार में कुछ उथल पुथल ना कर दे। वैसे भी पाकिस्तान में तख्ते पलटते रहे हैं और इमरान खान की सरकार के जो हालात हैं वो भी अच्छे नहीं चल रहे हैं। तो फिर किसी और इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ के साथ होगी आपके साथ मुलाकात। अगर आप ये न्यूज़ YouTube पर देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें, Twitter और Instagram पे देख रहे हैं।